देखा आज 16 सितंबर है और लीज़ा की आज पहली हीट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने ये वीडियो बनाई है अपनी लैब्राडोर के ऊपर, जो मेरी लीज़ा है। वो 11 साढ़े 11 महीने हो गए हैं अभी और उसकी भी फर्स्ट हीट साइकिल आई है। सो मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला था। सो मैं आपको पहले लीज़ा को दिखाता हूँ। सो गाइज, ये है लीज़ा। बस नहीं, ओके ऊपर देख, बैठ जाओ लीजा। ऊपर कहाँ, ऊपर कहाँ लीजा, बैठ जाओ, सिट लीजा, सिट। हाँ चलो। सो गाइज, ये है लीजा। इसको हो गए हैं 11.5 महीने। इसकी फर्स्ट हीट साइकिल आ चुकी है अभी। क्या हुआ, क्या हुआ? तो ऑफ कोर्स फर्स्ट हीट साइकिल तो मिस ही करते हैं सब लोग। और तो इसके रिगार्डिंग में इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा था कि जो पहली हीट है डॉग की, वो हमेशा मिस करनी चाहिए, क्योंकि डॉग अपने मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचा होता है। ठीक है, जो अब जो जिनके पास भी फीमेल डॉग्स हैं, लीजा फीमेल डॉग्स हैं, उनको अपनी फीमेल की मेटिंग फर्स्ट हीट पे नहीं करानी चाहिए। जो मिनिमम एज बाई KCA रजिस्टर्ड जितना मैंने देखा है वो है 14 मंथ्स फीमेल का, और मेल का है 18 मंथ्स। तो 14 मंथ से पहले पहले अपनी फीमेल की मेटिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अभी आपका डॉग बहुत छोटा होता है ऑफकोर्स। सो मेरी लीज़ा को भी फर्स्ट हीट तो ऑफकोर्स 11.5 महीने में आया है। ऑल दो जो फर्स्ट हीट है वो 6 मंथ से लेकर 9 मंथ्स 10 मंथ्स मैक्सिमम आ जाता है, पर इसको थोड़ा सा लेट हुआ था। तो अभी जो इसकी सेकेंड हीट है वो अप्रॉक्स 17 और 18 मंथ्स के आसपास आएगा इसको, मतलब 16-17 मंथ्स के आसपास। सो जो कि एक आइडियल टाइम है एक फीमेल डॉग का, अगर आप अपनी फीमेल की मेटिंग करवाना चाहते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही था, क्योंकि मैंने अभी लीज़ा को देखा, आज 16 सितंबर है और लीज़ा की आज पहली हीट देखी मैंने। सो बस इस वीडियो के थ्रू इतना ही बता रहा था मैं कि अपने डॉग, अपने फीमेल डॉग की फर्स्ट हीट साइकिल को छोड़ देना, उसमें मेटिंग मत कराना उसकी, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ये देखो लीज़ा, आ जाओ लीज़ा, ये ले कम, आ जाओ लीज़ा, आ जाओ। So that's pretty much for this video. Thank you so much for watching it. Bye bye. Take care. Bye, Buldo. Bye, Buldo. Bye. Bye.